Hello and welcome to Exam Chala. Today in this video we are going to see some important news and editorial analysis of 22nd of May 2021. But before getting started, kindly do like, share, subscribe our channel on YouTube, follow us on Instagram, Facebook and Telegram. Let us move on to the main content. First news is coming for the sad demise of Mr. Sundar Lal Bahuguna. Sundar Lal Bahuguna जो पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं, वो एक गांधीयन मॉडल पर एनवायरमेंटलिस्ट हैं और आप सबने एक मूवमेंट पढ़ा होगा 1980 के दशक में जब शुरू हुआ था उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट के सूत्रधार हैं श्री सुंदर लाल बहुगुणा और इन्हें बहुत से और भी अवार्ड मिल चुके हैं। इन्हें पहले पद्मश्री भी दिया गया था भारत सरकार द्वारा, लेकिन क्योंकि ये विरोध कर रहे थे तो इन्होंने पद्मश्री नकार दिया था और बाद में फिर इन्हें पद्म विभूषण मिला था। हमारे लिए एग्ज़ाम के हिसाब से या एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जानने वाली चीज़ें तीन चीज़ें हैं। पहली कि चिपको आंदोलन किस दशक में हुआ था, तो वो 1980 के दशक से लेकर 2000 तक लगभग चला था। एक जो फ्लैश पॉइंट आप कह सकते हैं कि 1982-83 में आया था। और जो टिहरी डैम है उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में, उसके बेसिकली विरोध कर रहे थे और वहाँ के लोगों ने पेड़ों से चिपक कर पेड़ को जो डिफॉरेस्टेशन है उसको रोका था और उसके एक लीडर थे श्री सुंदर लाल बहुगुणा, जिनका निधन कल हुआ है ड्यू टू द कोविड इम्प्लीकेशन। सो ही वॉज वन ऑफ द गांधीयन पायनियर ऑफ द इंडियन एनवायरमेंट। भारतीय जो एनवायरमेंटलिज्म है, ठीक है, पर्यावरणविद जिसे कहते हैं, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट। सो ही वॉज द गांधीयन स्पिरिट ऑफ द एनवायरमेंटलिस्ट मॉडल एंड देयर इज एन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन टू बी कमिंग इन दिस पैटर्न। नाउ मूविंग ऑन टू द आर्टिकल. Very interesting article is about the vaccine jumping queue. Recently we have seen that some of the IIT's professors met the Education Minister Sri Ramesh Nishank Pokhriyal ji and they demanded कि IIT के कैंपस में IIT के टीचर्स और स्टूडेंट्स को वैक्सीन देने में प्रायोरिटी दी जाए, बिकॉज वो जो है वो देश का रिसोर्स है एंड IIT इज़ केप्ट काइंड ऑफ रिसर्च एंड हेड हाई ऑफ द कंट्री। उसको एक्सप्लेन करते हुए ऑथर बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिखे हैं एंड ही सेड कि द वैक्सीन इज़ अ प्रोसेस टू सेव लाइफ्स एंड दैट इज़ अंडर राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अगेन आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज राइट टू इक्वालिटी. सो देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स. आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से राइट टू लिव and article 41 says right to equality, and also in right to live the part of right to having a proper health is an inferred right. So जीने का अधिकार, अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार और अच्छे स्वास्थ्य के अधिकार के तहत वैक्सीन पाने का अधिकार और उसके बाद समानता का अधिकार, इन तीन अधिकारों को अगर हम देखें तो ये किसी भी तरह के लोगों में भेदभाव नहीं कर रहा है। तो कोई IIT में पढ़ता हो या कोई आम मजदूर हो, दोनों को जीवन का समान अधिकार है और दोनों को एक समय पर ही वैक्सीन मिलनी चाहिए। किसी एक को प्रायोरिटी देना ये ठीक बात नहीं होगी. इट विल अगेंस्ट द वेरी वेलफेयर स्टेट, जो हमारे राज्य का कॉन्सेप्ट है. व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट एंड द फिलॉसफी आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ लोक कल्याणकारी राज्य, दैट इज़ द वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है. हेयर इट विल बी मलाइंड. ठीक है, IIT इज़ वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. वर्ल्ड की टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ में इंडिया के 3 IITs आती हैं. IITs के एलुमनी ने बहुत सारे काम किए हैं. इंडिया हैज़ मेड, दे हैव मेड प्राउड ऑफ इंडिया. बट एट द अदर हैंड, सिंस जस्ट दे आर द स्टूडेंट्स ऑफ IIT एंड IIT कैंपस, उन्हें सिर्फ इसलिए वैक्सीन दे दी जाए क्योंकि दे हैव मेड अ प्राउड टू इंडियंस, तब तो फिर इस तरह से आम जनमानस को सबसे लास्ट में मिलेगा. एंड सिंस वी आर रीडिंग द प्रीएम्बल, अगर हम प्रीएम्बल को ध्यान से पढ़ें तो सबसे पहली लाइन उसमें कही गई है, इवन कॉन्स्टिट्यूशन की भी सबसे पहली लाइन होगी, वी द पीपल ऑफ इंडिया. एंड the last is give to ourselves this constitution, and that is why in India the constitution is supreme. and उस constitution को, संविधान को किसने लागू किया है? उस संविधान को लागू किया है भारत के लोगों ने. भारत के लोगों ने उसे बनाया है और भारत के लोगों ने अपने आप को ही वो संविधान दिया, यानी कि the supremacy is of the common people, and so there should not be any kind of biasness among the people unless it is a matter of national security. राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों को अगर छोड़ दें तो और किसी भी तरह के मुद्दों पर किसी भी तरह का भेदभाव करना उचित नहीं है. तो केवल इस व्यक्ति को दे देना कि वो किसी आईआईटी या बड़े इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट्स हैं और उनको वैक्सीन पहली मिलनी चाहिए और उन आम जन के बजाय जो एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, एक आम किसान हैं, आम लेबरल है, क्योंकि वो जो आईआईटीज़ में इनोवेशंस होती हैं, वो जो आईआईटीज़ में टेक्नोलॉजी बनाती हैं, उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने वाला वो आम व्यक्ति ही है। उस टेक्नोलॉजी में टैक्स, जिस सरकारी टैक्स पर वो पढ़ रहे हैं, जिस सरकारी टैक्स पर वो आम आदमी का खर्चा हो रहा है, दैट टैक्स इज़ कमिंग फ्रॉम दैट poor labor and the common people. So if these IITs or the other government institutions are flourishing on the lines of the common people, on the tax of the common people, so accordingly first attempt should be given to the common people. Agar common people ke taxpayer ki money nahi hogi to there will be no IITs, and that is why everybody is equal and there should no case of priority unless when there is a case of warriors, corona warriors or frontline workers. फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्रायोरिटी दी जा सकती है बिकॉज दे आर फाइटिंग एंड दे आर द फ्रंट, सो वी नीड टू एनहेंस द फ्रंट. बट सिंस IITians और अदर इंस्टीट्यूट्स आर नॉट द फ्रंटलाइन वर्कर्स, सो देर कैन नॉट बी गिवन अ प्रायोरिटी. एंड इफ़ सच थिंग्स कैन बी गिवन, फिर कल से अलग अलग डिमांड शुरू हो जाएंगी. अलग अलग रिलीजियस धर्म के गुरु कहेंगे पहले धार्मिक गुरु है तो पहले गुरु जी को दो, फिर चेला जी को दो, अलग अलग स्कूल्स में, अलग अलग कॉलेजेस में, और इस तरह से एक पूरी रेस शुरू हो जाएगी. एंड पीपल दिस विल क्रिएट अ डिवीजन, नॉट ओनली डिवीजन अमंग द पीपल, अमंग द स्टेट्स, कि ये स्टेट को ज़्यादा मिल रहा है, वो स्टेट को कम मिल रहा है, एंड दैट विल डिवाइड द ट्रू यूनिटी कैरेक्टर ऑफ द नेशनल इंडिया. एंड एट दैट टाइम वेयर वी नीड टू मेक अ यूनाइटेड फाइट, इट विल क्रिएट अ डिस्टिंग्विश्ड एंड डाइवर्टेड एफर्ट विच इज़ नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल एट ऑल इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट. सो दिस वॉज द फर्स्ट आर्टिकल. नाउ मूविंग ऑन द सेकेंड आर्टिकल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि हाउ फर्टिलाइजर सब्सिडी वर्क. Recently, the government has increased the fertilizer quota, especially of the DAP, Diammoniun Phosphate. So we'll see how it works. So recently आपको पता होगा कि 2021 से ही और 2020 से ही किसान आंदोलन चल रहा है, अपने चरम पर है, और उसी बीच में जब खाद्यान्नों के, स्पेशली जो खाद है, उर्वरक के दाम, फर्टिलाइजर्स के दाम जब बढ़ने लग गए तो गवर्नमेंट ने ये देखा कि भाई एक तो किसान ऑलरेडी नाराज़ चल रहे हैं, उस पर से अगर फर्टिलाइज़र के दाम भी बढ़ गए तो फिर ये तो सिर मुड़ाटे ओले पड़े वाली बात, ठीक है, गरीबी में आटा गीला. एंड दैट इज़ वाई दे केम ऑन हैवीली एंड दे इंक्रीज एंड 137% इंक्रीज इन द सब्सिडी. तो जो सब्सिडी पहले मिलती थी, सपोज करिए कि अगर वो सब्सिडी ₹1 मिलती थी तो वह मिलेगी ₹137. सो देर इज़ 137% इंक्रीज इन द सब्सिडी ऑफ स्पेशल फर्टिलाइजर दैट इज़ DAP, डाईअमोनियम फॉस्फेट. Now why diammonium phosphate is important? Because it is the second most commonly used fertilizer. First is of course urea and second is diammonium phosphate, जिसका सेल्स है 1.119 लाख टन लीटर 2020-21 में. नेक्स्ट टू थोड़ा ही कम है इन कंपेरिजन टू यूरिया. सो यूरिया इज़ 350 lakhs एंड इट इज़ नियर अबाउट 120 lakhs. तो ये दोनों टॉप टू है. उसके बाद के बाकी की जो एडवाइस है, जो फर्टिलाइजर्स, दैट इज़ MOP, म्यूरेट ऑफ पोस, MOP, PSA, BSF. सो द टॉप टू इज़, फर्स्ट इज़ यूरिया NH2CONH2 एंड सेकेंड इज़ डाई अमोनियम फॉस्फेट एंड थर्ड इज़ MOP, म्यूरेट ऑफ पोटाश. बेस्ड ऑन नॉर्मली व्हाट हैपन्स कि फार्मर्स नॉर्मली अप्लाई दिस फर्टिलाइजर जस्ट बिफोर एट द टाइम ऑफ द सोइंग, यानी कि खेतों में बीज बोने से ठीक पहले ये फॉस्फेट और ये फर्टिलाइज़र जो है डायमोनियम फॉस्फेट, जो फॉस्फोरस का मेन कंटेंट है, उसे दिया जाता है बिकॉज इट्स हाई फॉस्फोरस कंटेंट्स विच स्टिमुलेट्स द रूट, जो रूटिंग प्रोसेस है, जो रूट्स के न्यूट्रिशन को अच्छा कर देता है, एंड दैट इज़ मेक्स मोर न्यूट्रिशन अवेलेबल टू द रूट ऑफ द प्लांट. दैट इज़ वाई दिस DAP इज़ अप्लाइड जस्ट बिफोर सोइंग द रूट्स. एंड नाउ इट इज़ द सीजन ऑफ, क्योंकि रेन मानसून आने वाली है जून जुलाई में, और यही से पहले से अगर हम बीज बो के रखेंगे देन वी विल गेट अ मैक्सिमम. सो ये दिस इज़ द सोइंग सीजन एंड इन द सोइंग सीजन इफ़ द DAP इज़ गेटिंग इंक्रीज्ड, नाउ इट विल फर्दर इंटेंस द फार्म मूवमेंट्स. एंड बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट इज़ ऑलरेडी रनिंग अंडर द क्रिटिसिज्म ऑफ मिसमैनेजमेंट ऑफ कोविड, ओके, प्रेशराइजिंग द बंगाल एंड अदर इलेक्शंस, and they do not want any other kind of criticism, and that is why they have increased 137% of subsidy. Now we will understand how the subsidy works. So for urea there is a different procedure and for other subsidies there is different, yani ki यूरिया के लिए एक अलग मानक है और यूरिया छोड़कर जितने भी फर्टिलाइज़र हैं उनके लिए एक अलग मानक है। तो यूरिया के लिए गवर्नमेंट जो है एक फिक्स्ड पर टन सब्सिडी यानी कि हर एक टन में कुछ अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है और उतनी ही सब्सिडी मिलेगी। लेकिन यहाँ गेम ये है कि सब्सिडी का अमाउंट फिक्स है और उसकी एमआरपी कंपनी डिसाइड करेगी। दैट मीन्स कि सपोज़ करें कि एक साल किसी वर्ष में 200 रुपये की उसकी एमआरपी है और सरकार ने बोला कि भैया हम आपको 100 रुपये की सब्सिडी देंगे, तो किसान को एक्चुअल में प्राइस कितना पड़ा? 100 रुपये। लेकिन किसी वर्ष किसी समस्या से उसका दाम 300 रुपये हो जाता है और सब्सिडी तो 100 रुपये ही है, तो किसान को कितना देना पड़ेगा? 200 रुपये। सो यहाँ जो प्रॉब्लम है कि द अमाउंट ऑफ सब्सिडी इज़ फिक्स्ड नॉट द परसेंटेज विद द एमआरपी एंड दैट इज़ क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम whenever due to any external forces or demand crisis or due to the increase in the external supply chain। जो external supply chain उसमें shortage में या अलग अलग जो fertilizer बनाने में जो chemicals यूज होते हैं सल्फ़र, फॉस्फोरस, डायमोनियम फॉस्फेट्स जो कभी कभी बाहर से import किए जाते हैं and due to COVID-19 crisis इनकी manufacturing भी कम हुई है। सो इस वजह से अगर MRP बढ़ जाती है तो प्रॉब्लम ये होती है कि क्योंकि सब्सिडी का अमाउंट तो सब्सिडी इज़ फिक्स्ड बट MRPs आर वेरिएबल and that creates an volatile relation between the subsidy and the actual price of the subsidy and which is actually disorienting for the farmers। और यही प्रॉब्लम इस बार हुई थी क्योंकि जो पहले सरकार ने बाकी फर्टिलाइज़र के लिए यूरिया के लिए सब्सिडी फिक्स है और बाकी फर्टिलाइजर्स के लिए एक NBS स्कीम लागू की गई है, दैट इज़ न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। किस खाद में किस फर्टिलाइज़र में जितना न्यूट्रिएंट है उसी न्यूट्रिएंट के हिसाब से आपको सब्सिडी मिलती है। और फॉर एग्ज़ाम्पल 2020-21 में अगर आपके पास N यानी कि नाइट्रोजन, तो किसी सब्सिडी में पर टन नाइट्रोजन में आपको 18 रुपये के आसपास सब्सिडी मिलेगी, फिर फॉस्फोरस में 14 रुपये के आसपास और के यानी कि पोटेशियम में 10 रुपये के आसपास और सल्फ़र के लिए 2.3 रुपीज़ यानी कि हर एक किलोग्राम में जितना भी प्राइस होगा उस पर अगर उसमें 1 किलो नाइट्रोजन है तो 18 रुपये की सब्सिडी, 1 किलो फॉस्फोरस है तो 14 रुपये की, 1 किलो पोटेशियम यानी के है तो 10 रुपये की और 1 किलो सल्फ़र है तो 2 रुपये की। इस तरह से यूरिया को छोड़कर अलग जितने भी खाद हैं फर्टिलाइज़र्स हैं उनके लिए प्राइस तय की गई थी, दैट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। नाउ दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द पीटी पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज़ व्हाट इज़ NBS एंड विच ऑफ द कंपोनेंट इज़ वेरी मच सब्सिडाइज। सबसे ज़्यादा पैसा किस में मिलता है? ऑफकोर्स नाइट्रोजन, बिकॉज नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट सूटेबल फर्टिलाइजेशन and it increases the fertility of the soil and the proportion of giving fertilizers NPK। पढ़ा होगा आपने साइंस में कि NPK का जो रेशियो होता है वो होता है 3:2:1, यानी कि कहीं अगर आपको खाद डालना है तो उसके 3:2:1 के अनुपात में अगर 3 ग्राम नाइट्रोजन डालेंगे तो 2 ग्राम फॉस्फोरस और 1 ग्राम पोटेशियम, यानी कि 3:2:1 के रेशियो में NPK fertilization is the suitable for that field for increasing productivity as well as fertility of the soil, and that is why based on this nutrient ratio government decide the subsidy for different kinds of fertilizer except urea. Urea has a special subsidy rate and others are being the rate of this, but due to the COVID-19 problem and due to the मैनेजमेंट इन द सप्लाई चेन, ग्लोबल सप्लाई चेन में डिसरप्शन होने की वजह से और मैन्युफैक्चरिंग में कमी होने की वजह से बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन द प्रोडक्शन दिस ईयर हैज़ डिक्रीज्ड एंड नाउ द MRP हैज़ इंक्रीज, क्योंकि जो कंपनियों को बाहर से मंगाना पड़ा और बाहर से मंगाने के चक्कर में उनको ज़्यादा प्राइस देने पड़े बिकॉज फ्लाइट बंद है, दे हैव टू पे एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एंड अदर लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स, सेफ्टी, सिक्योरिटी, सैनिटाइजेशन एंड एक्सेट्रा। नाउ दिस लेड टू इंक्रीज इन द प्राइस for the manufacturing company and in turn what they increased the MRP of the fertilizers। so सब्सिडी का अमाउंट तो फिक्स है और MRP बढ़ गई, तो जब MRP बढ़ गई तो सब्सिडी जो सब्सिडी घटाने के बाद जो रेट था वो भी बढ़ गया और ये फार्मर्स के लिए नुकसान हो गया बिकॉज स्पेशली अब जो है वो बुआई का सीज़न चल रहा है। तो इसको देखते हुए सरकारों ने किसानों ने सरकारों से रिक्वेस्ट की और सरकार ने 137% सब्सिडी को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। ऑल ऑफ देम स्टीपली रेज द FRP एंड दैट इंक्लूडेड। और इसी में जो एक संस्था है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजेशन कॉर्पोरेशन IFCO, इसने भी एक DAP डायमोनियन फॉस्फेट का दाम बढ़ा दिया क्योंकि एक्सटर्नल मार्केट्स में इसके प्राइस बढ़ गए थे, इसके कंपोनेंट्स जो रॉ मटेरियल से बनाने के लिए उनकी इंपोर्ट महंगाई पड़ रही थी। ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ लेजर द प्रोडक्शन वाज आल्सो लेस, लॉट ऑफ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस वर डन एंड दैट इज़ वाई MRP was increased and IFCO also released the price of fertilizer, especially DAP, और इसी वजह से there was increase in MRP and to reduct those MRP, the government has increased subsidy for this year in order to pacify the farmers because farmers तो already protest में चल रहे हैं। और अगर दूसरे fertilizer का भाव भी बढ़ गया तो whatever जो भी राज्य में छोटे किसान भी हैं जो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं फार्म बिल्स के ऊपर, they will turn hostile and since the misrepresentation or misplanning, mishandling of COVID एक प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट इज़ बीइंग सिवियरली क्रिटिसाइज्ड, शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन, शॉर्टेज ऑफ बेड्स, अगेन दिस ब्लैक फंगस, बंगाल इलेक्शंस, इन सारे सेटबैक के बीच में एक और सेटबैक आएगा तो दिस विल अनपॉपुलराइज द गवर्नमेंट एंड दैट इज़ वाई द गवर्नमेंट हैज़ टेकन दिस क्रूशियल स्टेप। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी। तो यू नो रिसेंटली जो 15 मई का लास्ट डेट है, आपके भी मोबाइल्स में व्हाट्सएप में नोटिफिकेशन आया हुआ टू इम्प्रूव और टू अपडेट द प्राइवेसी पॉलिसी। नाउ व्हाट इज़ दैट अपडेटेशन पॉलिसीज़? सो इस पॉलिसी में ये कहा गया है कि व्हाट्सएप जिसकी पेरेंट कंपनी है फेसबुक, आपको पता ही होगा। सो व्हाट्सएप जो कोई किसी बिजनेस चैट में, अगर आप कोई बिजनेस चैट करते हैं और किसी खास प्रोडक्ट के रिलेटेड डील है तो आपका वो डेटा लेकर इट कैन यूज ऑन फेसबुक फॉर योर मार्केटिंग। ओके, सो दिस काइंड ऑफ प्राइवेसी पॉलिसी पर उसने लोगों से एग्रीमेंट करवाया है कि देयर बिजनेस डेटा कैन बी एक्सेस्ड एंड कैन बी शेयर्ड ऑन फेसबुक टू हेल्प अदर बिजनेसेस, बट इट इज़ एक्चुअली हेल्पिंग द एडवर्टाइजमेंट साइट्स एंड इन ऑर्डर टू दिस द व्हाट्सएप क्लाइंट्स और द यूजर्स हैव बीन सेड टू अपडेट देयर प्राइवेसी पॉलिसी, बट इट इज़ ओनली फॉर द बिजनेस अकाउंट्स। बट कहा गया है बिजनेस अकाउंट के लिए, लेकिन क्या गारंटी है कि वो प्राइवेट अकाउंट से भी डेटा ले जाए? क्योंकि कैम्ब्रिज एनालिटिका में एक केस हो चुका है, फेसबुक का डेटा उसने पॉलिटिकल पार्टीज़ को भेज दिया, तो आपका पर्सनल डेटा, पर्सनल चैट, पर्सनल प्रेफरेंस कैन ऑल बी सेंड टू द प्राइवेट एडवर्टाइजमेंट कंपनी एंड यू कैन बिकम वल्नरेबल। इतना ही नहीं, अदर पर्सनल चैट कैन बी सेंट ऑन एनी अदर मीडिया। रिसेंटली द एयर इंडिया के जो सर्वर हैक हो गया और सारे के सारे जो पर्सनल डिटेल्स हैं, जितने ट्रैवलर्स आज तक एयर इंडिया में ट्रैवल किए हैं उन सब की डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, डेबिट कार्ड डिटेल्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स, now they are floating in the market. So these kind of threats have been there, and especially after the Puttuswamy judgment in the Kerala, where under Article 21, right to privacy is defined as a fundamental right. Similarly, based on that, B.N. Srikrishna Commission was appointed by the government. The name of committee was B.N. Srikrishna. Committee was appointed by government to make a data policy or data law. ड्राफ्ट डेटा पॉलिसी जिसने प्राइवेसी को इंश्योर करना है, बट सिंस अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। सो द गवर्नमेंट हैज़ 2 times इससे पहले भी वार्निंग दी थी तो व्हाट्सएप ने कोई जवाब नहीं दिया। इस बार 25 तारीख की डेडलाइन देकर कहा गया है कि अगर आपने जवाब नहीं दिया तो यू विल हैव अ सीरियस एक्शन। इसके खिलाफ व्हाट्सएप केस कर सकता है, बड़े कोर्ट्स में जा सकता है, लेकिन उसके पास ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं बिकॉज ऑलरेडी उसके ऊपर 2 केसेस पेंडिंग है ड्यू टू द प्राइवेसी। एंड सिंस Article 21 defines that the right to privacy is a fundamental right according to the Kerala High Court of the Puttuswamy judgment and also in the Aadhaar case. So the Union of India को judgment दिया था Supreme Court ने कि right to privacy is a fundamental right as well as right to 14 is also right to having internet. So Article 21 के तहत ही इंटरनेट का अधिकार भी फंडामेंटल अधिकार है और उसमें प्राइवेसी का अधिकार भी एक फंडामेंटल अधिकार, इट इज़ मूल अधिकार। सो उसको देखते हुए व्हाट्सएप को 2 नोटिस भेजे गए हैं, ठीक है। उनकी जो CEO हैं उनको ये मैसेज भेजा गया है, नेम इज़ विल कैचार्ट। सो विल कैचार्ट हैज़ बीन सेंट 2 messages बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन, मेती, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ सेंट 2 messages एंड 25 तारीख तक जवाब मांगा है। और उसके पास जो कंडीशंस हम देख रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी 2 केसेस पेंडिंग है, ऑलरेडी ये दूसरी वार्निंग भेजी गई है, तो व्हाट्सएप के पास कोई चांस नहीं है बट हैव टू रिप्लाई। अगर नहीं रिप्लाई करती है देन दे माइट सफ़र अ सीवियर एक्शन। अब देखते हैं कि बाहर के देशों में क्या है। तो यूरोपियन यूनियन की अपनी एक सिक्योर डेटा पॉलिसी है और जिसके तहत वो प्राइवेसी से कोई समझौता नहीं करती है, अलग अलग ऐप्स को उसके हिसाब से चलना पड़ता है। इंडिया के पास ऐसी डेटा पॉलिसी है तो, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, पार्लियामेंट से पास नहीं हुई है। सो टिल नाउ वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ सच फ्रेमवर्क। सो अभी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वेलफेयर ही एक गाइडलाइन डिसाइड करती है और उसी पे फिर चीज़ें आगे बढ़ती हैं। नाउ ये जो केस है इट इज़ गोइंग टू वेरी इंटरेस्टिंग। व्हाट्सएप क्या जवाब देता है दैट विल सी इन द नेक्स्ट फॉर द वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, wear mask correctly, get yourself vaccinated and have a nice day.